हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है कश्मीर में कमाल हो गया है और टूट गया 40 साल का रिकॉर्ड। चलो देखें भैया क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कितनी बर्फ बर्फ है अभी। वाह, ये टूरिस्ट तो नहीं है बर्फ के लिए खास आए हो। हाँ देख लो, स्की हो रही है। प्राकृतिक खूबसूरती को अपने में समेटे ये जगह अद्भुत है, इसलिए इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसी स्वर्ग की खूबसूरती को करीब से निहारने के लिए पर्यटकों का ये हुजूम गुलमर्ग में उमड़ा है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पर्यटन कारोबार फिर से पटरी पर लौटा है। वेरी गुड। यहाँ जो एक बार आता है यही का होकर रह जाना चाहता है। शादी के बंधन में बनने वाले नए जोड़ों को तो ये जगह बेहद लुभाती है। सुने हैं कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है, और हमारी नई नई मैरिज हुई। हम लोग सोचे भी कि चलो कहीं नहीं तो कम से कम अपना जन्नत ही देख लेते हैं। कश्मीर बहुत अच्छी जगह है, इसलिए हम लोग यही। हम लोग बचपन से सुने थे कि कश्मीर कहाँ पे रहते हैं। हम लोग देखना भी जरूरी है, अपने इंडिया में भी है। इंडिया में रह के अगर अपनी जगह को नहीं घूमेंगे, नहीं पहचानेंगे। अभी हम जाएंगे, सारे लोग को बताएंगे। आम से लेकर खास तक हर कोई यहाँ की खूबसूरती का दीदार ही नहीं करना चाहता, बल्कि यहाँ आकर ऐसी खुशी मिलती है कि लोगों को यहाँ आने का वो बुलावा भी देते हैं। आई कांट इवन डिस्क्राइब माय फीलिंग। ये तो वो है, शंकर महादेवन। वी हैव अ प्लेस लाइक गुलमर्ग इन आवर कंट्री, सो आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी हियर एंड आई विश दैट मोर एंड मोर पीपल कम एंड सी दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड एंजॉय, जिसे कहते हैं धरती पे जो जन्नत है वो यहाँ पर है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उससे टूरिज्म सेक्टर को भी मजबूती मिल रही है, जिसका नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर का पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट चुका है। बीते साल यानी साल 2022 में यहाँ रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों के पहुंचने का इतिहास रचा गया और इसी साल भी बड़ी तादाद में पर्यटक जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का रुख कर रहे हैं। जन्नत है, जन्नत, सब लोग अच्छे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, यहाँ की जन्नत है ये। बहुत मजा आ रही है, बहुत अच्छा लगा। ऊपर गए, बैठी भी है क्या उसमें? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली ना सोचा नहीं था उससे, बहुत ही सुंदर है कश्मीर, बहुत सुंदर है। और मैं सबसे यही कहूंगी कि बाहर जाने से पहले आप इंडिया में और इंडिया को एक्सप्लोर करो। इंडिया में भी बहुत सुंदर सुंदर जगह है और स्पेशली कश्मीर, श्रीनगर, यहाँ तो आना ही मस्त है, कि आना ही चाहिए। पर्यटन के लिहाज से साल 2022 कश्मीर के लिए अच्छा साल रहा। बीते साल इतनी संख्या में पर्यटक कश्मीर पहुंचे जो बीते 40 साल के औसत से भी अधिक है। साल 2022 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा पर्यटकों के जम्मू कश्मीर पहुंचने का रिकॉर्ड बना। साल 2022 में रिकॉर्ड 1.88 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे। जनवरी 2022 से अक्टूबर की शुरुआत तक 1.62 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे। अगर कश्मीर की बात की जाए तो साल 2022 के शुरुआती 8 महीनों में यहां 20.5 लाख पर्यटक पहुंचे। 1 जनवरी 2022 से 21 दिसंबर 2022 तक करीब 26 लाख टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे। इस साल की बात करें तो फरवरी तक 1.2 लाख पर्यटक कश्मीर पहुंच चुके हैं। लेकिन आज टूरिज्म जो है अच्छा चल रहा है। हम शुक्रगुजार है गवर्नर साहब का, काम करते ना, क्योंकि उन्होंने फरोग दिया टूरिस्ट डिपार्टमेंट को। जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं गुलमर्ग में, यहाँ पे अच्छा टूरिस्ट आता है, हम चाहते हैं इससे ज्यादा आए। काम तो बहुत अच्छा मिल रहा है। धारा 370 हटते हैं। कोरोना काल के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पर्यटन सेक्टर को पटरी पर लाने की जो गंभीरता से कवायद की, उसका नतीजा अब दिखाई पड़ रहा है। विंटर टूरिज्म के बाद अब प्रशासन यहाँ समर टूरिज्म की तैयारियों में है। सर्दी के बाद अब गर्मी में भी यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। श्रीनगर से अशोक पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि देखो कि मेजर और होना भी चाहिए। और गुलमर्ग बोल रहे हैं वो तो बहुत ही पॉपुलर सुनाव है, बचपन से सुन रहे हैं हम लोग तो गुलमर्ग। तो वही उसी को दिखा रहे हैं कि मेन टूरिस्ट एरिया बन गया है और इतने लोग आ रहे हैं, करोड़ों। मतलब उन्होंने बोला ओवरऑल अगर आप देखो जम्मू कश्मीर में कितने लोग आते हैं, उन्होंने करोड़ों में बताया एक साल के अंदर। देखिए लोगों को हैरानी हो रही थी वहां जाकर जो पहली बार आए, तो उनको पता नहीं था कि इंडिया में ऐसी भी जगह है, स्वर्ग है, स्वर्ग। इसीलिए वो भाई साहब बोल रहे थे कि अपने इंडिया को तो एक्सप्लोर कर लो भैया, देख लो कहाँ कहाँ इंडिया में क्या क्या ग्रेट चीजें हैं। तुम कहाँ बाहर भागते हुए जाते हो, जो भी बाहर जाता है पहले इंडिया को तो देख लो, यहाँ पे सब कुछ है तुम्हारे लिए।
मैं इससे मुझे पता है जब उन्होंने ये बोला ना मुझे याद आया, मैं इतनी बारी पापा मम्मी को कहती हूँ अच्छा आप ऐसी आप ना आप घर में क्यों बैठे हुए, अब आपने अपनी सारी ड्यूटीज़ कर दी हैं, घूमा करो ना, उसके बाद और थोड़ी ओल्ड एज होगी तो फिर जाना भी मुश्किल हो जाएगा, तो आप बाहर की कंट्रीज़ जाके एक्सप्लोर करो, इधर चले जाओ या उधर चले जाओ। तो मेरे पापा पता है क्या बोलते हैं हर बारी जब मैं ये बोलती हूँ, क्यों मम्मी भी अब बोलने लग गई हैं कि भाई हमारे इंडिया में कम जगह है, पहले हम अपना पूरा इंडिया तो देख लें फिर बाहर का सोचेंगे। वो कभी भी नहीं प्लान बनाते, जब बोलो बट कहीं बाहर जाने का वो इंडिया के अंदर ही बनाते हैं। अभी मैं रिसेंटली पूछ रही थी, मैंने कहा अच्छा आप दुबई या कहीं चले जाओ, देखो इतनी दुनिया इंडिया से जाती है, पास भी है, तो आप वहाँ का प्लान बना लो सर्दियों के टाइम में। कहते नहीं पहले पूरा इंडिया देखेंगे, हमें नहीं दुबई शुबई जाना, पहले अपना इंडिया है, इतना सुंदर इंडिया, उससे बेटर क्या है। उन्होंने कोई और प्लान बनाया हुआ है कहीं और जाने का, पूछूंगी कहाँ पे बोल रहे थे फिर आप लोगों को भी बताऊंगी। उन्होंने मेरे ख्याल से नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात है कि अब टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, आ भी रहे हैं, लोग भी खुश हो रहे हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, देखो कितने खुश हैं कि हमें हमें पैसा मिल रहा है, वो भी खुश हैं कि देखो अब हमारा धंधा चल रहा है। मुझे लग रहा है बीच में बंद हो गया था ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ टेररिज्म, वो तो जीरो, जब ओपन हो रहा है तब देखना कितने रेडिकल चेंज आएगा, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारे जबरदस्त मतलब बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगी जस्ट बिकॉज की लोग आ रहे हैं, गवर्नमेंट फोकस कर रही है, वहाँ के लोग भी बहुत खुश हो रहे हैं कि दे आर वेरी हैप्पी, दो लोग दिखाए थे वो कहते और आए, उनको ये है कि हमारी कैपेसिटी पूरी नहीं हुई है, हम तो और भी कैपेसिटी है, वो तो है। और मैं बताए ये सोच रही हूँ कि देखो जब अलग दूसरे पाथ से इंडियंस जो हैं दूसरे इंडियंस वहाँ पे यहाँ आएंगे तो भाईचारा भी पड़ेगा। पहले तो उन्होंने उसको क्लोज करके ऐसे रखा हुआ था ताकि उनके अंदर भी नफरत डाल सके जो वहाँ रहते हैं कि बाहर इंडिया के हमारे इलाके से बाहर जो इंडियंस हैं गंदे हैं, और इंडियंस जो बाहर कहते हैं उनको लगता था यहाँ पे भैया सेफ नहीं है, यहाँ नहीं आना, यहाँ पे पता नहीं किस टाइप के लोग रहते हैं। अब जब आना जाना हो रहा है तो दोनों के माइंड जो है उसमें जो भी गंद भरा हुआ था वो हटेगा और मिलजुल कर रहना आएगा। नहीं देखिए नॉर्मली जितने भी कश्मीर के लोग हैं वो पूरी इंडिया में जाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, वो तो है, मैंने खुद देखे हैं अपने लाइफ में कश्मीरी, और सभी रिलीजन के कश्मीरी की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली में मतलब काफ़ी लोग हैं कश्मीर के, पूरी इंडिया में जाते हैं फॉर एजुकेशन, तो वो तो बहुत है, वो पढ़े लिखे जो भी लोग हैं उनको पूरा आइडिया है कि एवरीथिंग इज ग्रेट, पर जो यहाँ पे जैसे काम कर रहे हैं साधारण जो कश्मीर में रहता है इंसान उसको भी लग रहा है कि सब बहुत अच्छा है, और उसको भी मैं कहूँगा उसको भी कश्मीर से कई बार बाहर जाना चाहिए, अपनी पूरी कंट्री में जाना चाहिए घूमने फिरने के लिए, जाएंगे कश्मीर के लोग अगर जाएंगे कहीं रेगिस्तान देखने के लिए राजस्थान में, उनको लगेगा वाओ कि ये भी जगह रेगिस्तान भी हमारे पास है, ऐसे भी होता है। आसाम वगैरह जाएंगे उनको ट्रॉपिकल लगेगा वेदर, फॉरेस्ट नजर आएंगे बोलेंगे वाओ। तो मेरे ख्याल से सब चीजें हैं इंडिया में, वो कमाई जब इनकी होगी, अब देखो कमाई शुरू हो गई है, जब पैसा उनको कमाई मिलेगी तो वो भी अब घूमने जाएंगे। बहुत ही प्यारा वीडियो था, इससे मैं कह रही हूँ ऐसी वीडियोस और बननी चाहिए ताकि जो कश्मीर में नहीं रहते उनको भी मतलब आप इनकरेज करोगे कि आप जाओ देखो कितना सुंदर है, और जो कश्मीर में रहते हैं उनको भी दिखेगा कि देखो कि हमारा एरिया कितना डेवलप हो रहा है। बहुत ही अच्छा था यार, मज़ा ही आ गया। अगर आप नहीं गए अभी कश्मीर तो ज़रूर चले जाना भैया, अब तो आजकल तो गर्मियाँ भी इतनी हो रही हैं, बेस्ट टाइम है, जाओ ठंडी ठंडी जगह, सबसे कोल्ड एरिया में जाओ इंडिया के, है ना, मज़े करो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।